अगर आप भी चाहते हैं अपने पसंदीदा शुद्धता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता से पूर्ण आभूषण खरीदना, तो आपके अपने ही शहर में स्थित दीक्षित ज्वेलर्स शिमला चले आना। दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। संपर्क करें 01772671115। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास, तो यहाँ आकर पूरी होगी आपकी हर एक आस। सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल कमला नगर शिमला। सत्र 2024 और 25 के लिए प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक और पहली से 9वीं कक्षा के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 तक। तो जल्दी कीजिए, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कार युक्त शिक्षण संस्थान के लिए एकमात्र विकल्प आपके अपने शहर शिमला में सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल कमला नगर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8278810797 पर। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडे के भ्रष्टाचार के आरोप को दरकिनार किया है। रवि ठाकुर ने कहा कि पूर्व मंत्री बेतुकी बातें कर रहे हैं, वह उन पर ही नहीं बल्कि अधिकारियों पर भी आरोप लगा रहे हैं। रवि ठाकुर ने कहा कि मारकंडे खुले मंच पर उनके साथ बहस करें, कमीशन लेने का काम उनके समय में होता होगा, जिसके खिलाफ नोटिस भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानूनी राय के बाद वे रामलाल मारकंडे के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। लाहौल स्पीति और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी व मैं अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश, आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी कल ही हमारा एक वर्ष पूरा हुआ सरकार का, और उपलब्धियाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी गिनवाई और आगे भी जो एक्शन प्लान है हमारा वो भी बताया है, वो सबको मालूम है, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। विकास के नदी जो बह रही है वो बहुत तेज़ी से शुरू हुई है अब, और जो कार्य कभी नहीं हुए थे वो भी अब होना शुरू हो गए हैं इस सरकार में, और ये व्यवस्था परिवर्तन है। ख़ास तौर से परिवर्तन रैली प्रियंका गांधी जी ने जो चुनावों से पहले करी थी घोषणाएँ 10, उसमें से 3 घोषणाएं पूरी हो गई है हमारी। OPS है हमारा, स्टार्टअप फंड है और स्मार्ट स्कूल्स का, उसके साथ साथ जो हमारा चौथी गारंटी योजना थी महिलाओं को 1500-1500 रुपये देना, वो लाहौल स्पीति से शुरू कर रहा है, जो कि एक ज़िला ऐसा है तिब्बत बॉर्डर पे लगता है और दूसरी तरफ बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, और वहाँ दूर दराज दुर्गम क्षेत्र है और वहाँ पे लोगों का प्लान ना हो, माइग्रेशन ना हो, इसलिए वहाँ बहुत ज़रूरी है उनको सशक्त करना और ख़ास तौर से वहाँ वीमेन एम्पावरमेंट देना। तो उसको देखते हुए वहाँ पर 1500-1500 रुपये की घोषणा कल हुई है। पहले स्पीति गए थे माननीय मुख्यमंत्री और वहाँ पे 15 अप्रैल पहली बार उस जगह मनाया गया, और 3 दिवसीय उनका कार्यक्रम था, 2 रात वहाँ रात्रि विश्राम भी था। मगर खुशी की बात यह है कि कल पूरा लाहौल स्पीति पूरे ज़िले की घोषणा कर दी, और बहुत ही जल्द ये शुरू भी हो जाएगा, सूचियाँ बन रही है, तैयारियाँ हो रही है। तो एक तो ये मुद्दा था जो मैं बहुत ज़रूरी चाहता था आप लोगों के बीच बताना। आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष भी आए हुए थे अभी धर्मशाला में, और जितने भी हमारे गद्दी समुदाय के लोग हैं, गुज्जर समुदाय के लोग हैं, किन्नौर के हैं, पांगी, भरमौर, लाहौल स्पीति के सारे लोग थे, और उन्होंने भी मीटिंग ली और उसमें बहुत कंक्रीट मुद्दे सामने आए हैं, जैसे PISA एक्ट है हमारा और फॉरेस्ट राइट एक्ट है, वह हमारे रिजर्वेशन है, इनको लेके काफ़ी बातें चर्चा हुई और उसको ठोस, उस पर अमलीजामा पहनाया जाएगा, ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कई बातें हुई, और इसको सरकार बहुत गंभीर है ट्राइबल्स को लेकर भी। और एक मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे 1500-1500 रुपये घोषणा हुई है, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी उपलब्धि लाहौल में हुई है, वो ये है कि एंटी फ्रीजिंग टेक्निक वहाँ पे लाहौल में आ गई है। 24 करोड़ रुपए का शिलान्यास हमारा माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे IPH मंत्री, उन्होंने करा वहाँ पे,
और वो भी अभी एक टीम गई थी लद्दाख में और उसी तरजीह पे वहाँ बन रही है। और इसके साथ साथ हमारा 3.5 करोड़ का, 3.5 करोड़ का हमारा स्पीति में भी हमने शिलान्यास किया और उसी तरजीह पे 12 महीने वहाँ अब पानी मिलेगा लोगों को। आपको मालूम है कि आप अपने शौचालय जाएं या अपने बाथरूम जाते हैं, रेस्ट रूम जाते हैं, तो नल में पानी ना हो कितनी दिक्कत होती है। तो वहाँ 5-5 महीने पानी नहीं आता नल में, क्योंकि वो पाइपें जम जाती है, तो वो दिक्कत नहीं रहेगी। अभी कुछ पंचायतों में कर रहे हैं और धीरे धीरे हम पूरे लाहौल स्पीति को इसमें पानी हमारा 12 महीने चलेगा। तो ये सारी उपलब्धियाँ हुई है वहाँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि और टूरिज़्म का भी हमने 24 करोड़ का एक वहाँ पे एलाइड स्पोर्ट्स और उसका एक आउटलेट गोंदला में शुरू किया है, जो कि अभी शुरुआत कर दी है और पैसा भी आ गया। और एक स्वदेश योजना से, स्वदेश योजना है उससे, जैसे पोंग डैम और वहाँ कांगड़ा में कर रहे हैं, इसको डेस्टिनेशन स्पॉट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का डेस्टिनेशन स्पॉट का 100 करोड़ का हमारा कांगड़ा में और 100 करोड़ का लाहौल स्पीति के लिए दे रहे हैं। तो ये केंद्र सरकार से आ रहा है, पर्यटन विभाग से। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो मैं कुल मिला के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 1500-1500 रुपये हर महिला को मिला है, हर परिवार में 2-2, 3-3, 4-4 जितनी भी महिलाएं हैं सबको मिलेगा, तो उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा खाता चेक कर सकते हैं आप, एक खाता मेरा यूको बैंक का है, एक खाता मेरा SBI का है और एक कंपनी का खाता है, तीन खाते हैं, तीनों आप चेक कर सकते हैं कहाँ से पैसा है, कहाँ से गया, खुली किताब है। मैं तो पूर्व मंत्री को ये कहूँगा कि विकास के इतने कार्य हो रहे हैं तो आप, हम एक मंच पे आके आप मेरे से बात कर सकते हैं और विकास की बात करते हैं, बजाय इसके अनाप शनाप बातें करने का। अपने कार्यकाल में तो उनका कोई तरक्की के ऐसे कोई विकास कार्य नहीं हुए, और अब कार्य शुरू हुआ है तो उनको आके, और मैं ही इज माई कॉन्स्टिट्यूएंट, मैं चुना हुआ विधायक हूँ, तो वो आके बताए मुझे जो भी दिक्कत है वो करें। 10% आप कमीशन लेते हैं कोई भी काम करवाते हैं तो उस पे 10% पे कमीशन आप दे 10% कैसे फिक्स होगा? मुझे मालूम हुआ ये, मैं RP रूरल प्लानिंग कमेटी के दौरे पे था 3 प्रदेशों के, तो मुझे फ़ोन आया, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने बताया था, उसका हमने नोटिस जारी कर दिया, मानहानी इज्जत का जो करा उन्होंने, 10% हो 15% हो उसमें कोई तथ्य है या नहीं है वो बताएं। अब कहने को तो उस समय भी कहते थे जब ये मंत्री थे कि 22-23% लेते हैं, सब मिल बांट के खाते हैं, और ये आरोप मेरे ऊपर नहीं है, ये आरोप वो सीधा हमारे कर्मचारी अधिकारियों पे HODs पे लगा रहे हैं। 16-17 विभाग है हमारे, अगर परसेंटेज आती होगी या उनके समय में आती थी, इसका मतलब कि वो नीचे से सारे कागज वो जाली बना के ऊपर HODs पास कर रहे हैं उसको, मेरे हाथ में तो कलम है नहीं। हाँ, मंत्री के हाथ में होता होगा, उनके पास 6-7 विभाग रहे हैं, तो उन मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये भी बता रहे थे कुछ RTI फाइल कर रहे हो, तो मैंने कहा हाँ उनको कह दो आप RTI फाइल कर रहे हैं, अगर तो आप अपने जो जो विभाग रहे हैं आपके 15 साल आप मंत्री रहे, जो जो विभाग रहे 5-6-7 उसकी भी RTI फाइल करो, उसको भी खंगालो सारे, लाहौल स्पीति उनके पास भी रहा है उसको भी RTI लगाओ, क्या क्या कार्य कब कब हुए हैं। मैंने तो देखो, मैंने तो उनका ये देखा है कि वो दरकिनार करते हैं जो भी नियम होते हैं। नियम का मेरा मतलब है कि 2017 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तो चुनाव जब फैसला हो रहा था, तो मुझे एक चुनाव में खड़े थे हमारे CPI से सुदर्शन जसपा, उन्होंने आके मुझसे कहा कि आप फाइल कर दो, बोला एफिडेविट, रॉन्ग एफिडेविट फाइल करने का उनके ऊपर मुकदमा। मैंने कहा क्यों? बोलते इसमें तो उनकी प्रॉपर्टी की लिस्ट ही नहीं है, जबकि उनके पास अथाह प्रॉपर्टीज है, बोला शिमला में भी है, कई जगह है, कुल्लू में है, अपना शमशी में है, नगर में है, कोई और भी कई जगह बताई, पता नहीं रामपुर में बता रहे थे कहाँ कहाँ। तो मैंने 2017 में जो फाइल करा था, फाइलिंग ऑफ रॉन्ग एफिडेविट मुकदमा उच्च न्यायालय में, 6 महीने तो उनको सिर्फ समन लेने में लग गए, जबकि मंत्री का मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है, तो जाके समन अगर अवॉइड ना करें तो एकदम डिलीवर होना चाहिए वो। और 6 महीने बाद भी जैसे कोई ऑफेंडर होता है ना, हैबिचुअल ऑफेंडर,
चोर उचक्का या गली कूचे में पकड़ के उनको हाथ में पकड़ाते हैं जाके, उस तरह से देना पड़ा। समन ये नहीं कि भेज दिया तो उन्होंने ले लिया, जाके भाई ये वो व्यक्ति है इसके हाथ में दो। तो ये तरीका अख्तियार कर रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो कितना अवॉइड करते हैं। अभी तक 6 साल होने जा रहे हैं, अभी तक मुझे जवाब नहीं आया कि प्रॉपर्टी की डिटेल्स क्या थी आपकी, फाइलिंग ऑफ रॉन्ग एफिडेविट का जवाब नहीं आया। हाई कोर्ट में अभी तक पेंडिंग पड़ा वो मामला। मानहानि का दावा करने वाले हैं? मानहानि का तो मैंने नोटिस के लिए बोल दिया वकील को, वो देख रहे हैं उसमें क्या क्या तथ्य है और उस हिसाब से करेंगे मानहानि का दावा। अभी तो नोटिस निकालेंगे, उनका जवाब आएगा फिर करेंगे ना उसका। अब क्या ये तरीका? ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।